हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा पंजाब नेशनल बैंक के क्लेरिकल लेवल की सैलरी क्या होती है आफ्टर वेज रिवीजन। बिकॉज़ क्लेरिकल लेवल पे भी ऐसा होता है ना कि बैंक टू बैंक वेरी करता है कि सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। बेसिक सैलरी नो डाउट सेम होता है, लेकिन अलाउंसेस में फ़र्क होता है और ब्रांच बैंक टू बैंक भी पॉलिसी अलग अलग होती है, इसके लिए सैलरी में भी डिफरेंस होता है। तो मैं आज बात करूंगा पंजाब नेशनल बैंक के क्लेरिकल लेवल की सैलरी क्या होती है आफ्टर वेज रिवीजन। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सैलरी क्या होती है पंजाब नेशनल बैंक की क्लेरिकल लेवल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लेरिकल लेवल की सैलरी स्लिप है, और ये यहाँ पे आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको ये इनकी अर्निंग डिटेल्स है। अभी आफ्टर बेसिक सैलरी इनका अभी आफ्टर वेज रिवीजन उनका बेसिक सैलरी हो गया 19900। ओके, और कन्वीनियंस अलाउंस इनको 757 मिलता है, डीएनएस अलाउंस 5209, एचआरए 2039, और अदर चारे वो नहीं है उनको, स्पेशल अलाउंस 4118। और फिर यहाँ पे ये प्रोफेशन टैक्स इनका 300 रुपीज़ कटता है, प्रोफेशन रेट 300 रुपीज़ कटता है, और यही प्रोफेशन टैक्स LIC में 200 रुपीज़ ही कटता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोफेशन टैक्स 300 रुपीज़ कटता है, प्रोविडेंट फंड 2510, और यूनियन का फीस जो बैंक का जो यूनियन होता है उसका फीस 60 रुपये। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका ग्रॉस बन रहा है 32024, 32,000 इनका ग्रॉस बन रहा है, और इनका नेट इनके हाथ में आता है 29,153। और इसके अलावा इनको एडअप होके मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर कन्वीनियंस अलाउंस, मीन्स वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस सेम होता है। एंड उसके बाद दूसरा चीज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल जाता है इनको, और फिर पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है इनको। सो अराउंड आराम से ये वापस 32 के आसपास पहुँच जाता है इनका सैलरी। तो पंजाब नेशनल बैंक की क्लेरिकल लेवल का सैलरी होता है 32,000। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़रूर पढ़ाई करते रहिए।